भाई क्या खाना आपने? सबकी थाली खा के आ रहा हूँ। मजा आ गया खाना। बाय 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 बाय। En tu habitación, solo los dos segundos que quede tener, detener. Porque si no siento tu voz o tu olor, te extraño y te quiero ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Tanto me falta. Good morning everyone, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत एक्चुअली सुबह ही हो गया था। अभी ये दूसरा वीडियो, वैसे टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है कौन सा टॉपिक पे होने वाला है। फिलहाल अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर हम लोग कहीं और के लिए निकलेंगे। ये देख लो आ गया, काफी लोग कर रहे हैं वैसे। ये धनंजय भैया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। पहले बार आप मेरे ब्लॉग में आ रहे हो। और सत्य भाई का तो जानते ही हो। सत्य हम लोग रात में भी आए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। वहाँ पे अपने डोलेश भाई है, ज्योति जो सॉरी ज्योति जो बोले ज्योति बोले जो जो भी बोलो आप जो बोलो। और अपने एस के है और संदीप भाई है और ये मेरी वाइफ, सबको साथ में ही है। मेरी वाइफ आपकी सबसे बड़ी फैन है, उसका नाम भी ज्योति है। एक बार उसका भी नाम आप अपने ब्लॉग में ले सकते हैं। चलिए चलिए ज्योति जी, बहुत जल्द मिलेंगे। भाई ने इनवाइट किया है घर पे, आएंगे कभी तो साथ मिल के आएंगे। सत्या भाई के साथ जाएंगे, सबको मिल के। हमें यहाँ का केरला का स्पेशल परोठा खाना था, कल भी खाया आज भी। लेकिन अगर हम लोग वहाँ जाते हैं ना भाई, त्रिवेंद्रम के जाते हैं, वहाँ तो और भी कमाल का मिलेगा। चलो बढ़िया, मैंने अपने लिए फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया है, वो पीते हैं फिर जाते हैं। हाँ जी, तो देख लो अभी ब्रेकफास्ट करके आने के बाद अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। सत्या भाई ऑलरेडी स्टेशन पहुंच चुके हैं, फोन आ रहा है कि मोहित भाई जल्दी आ जाओ, जाते हैं। एक्चुअली देखो हमारा पासेस का तो कलेक्ट हो गया था, लवली को लेकर एक टेंशन था, उसका भी हो गया। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अभी जाते हैं स्टेशन फटाफट। लो जी अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो ले लिया है, जा रहे हैं स्टेशन। स्टेशन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। फाइनली अभी हम लोग स्टेशन में पहुंच गए और अंदर में देख लो अलग ही सेलिब्रेशन स्टार्ट है। तो जाते हैं अंदर और यहाँ पे देख लो लगेज वगैरह लेकर आए हम लोग, तो अंदर जाके बाकी का वीडियो अंदर से कंटिन्यू करते हैं। और ये देख लो कासरगोड रेलवे स्टेशन। जी स्टेशन के पास तो आ गए हम लोग और ये मिल चुका है हमारा पासेस। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ बीच में ही उतरना पड़ेगा, लेकिन ये जो अपना जर्नी है एंड टू एंड होने वाला है। अभी देखो मैंने अभी भी प्लान नहीं किया एंड टू एंड करने का, बीच में भी उतर सकते हैं, लेट्स सी। अभी कुछ भी प्लान नहीं है मेरा। बाकी चलो पासेस मिल चुका है, गेट सारा अभी बंद है, जैसे गेट ओपन होता है फिर जाते हैं अंदर। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही आ गया था एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए एक्सक्लूसिव लुक इसका। वैसे वापस से मैं अभी आ गया हूँ, इस बार मैं आया हूँ प्रॉपर देख लो तैयारी के साथ, मतलब जर्नी करने के लिए आया हूँ इस बार मैं। ये जो सामने की तरफ स्टिकर देख रहे हो ना चीता वाला, ये हमारे सामने लगा सामने। वैसे आज हमारा जर्नी होने वाला है कासरगोड टू त्रिवेंद्रम। देखना है एंड टू एंड करना है या फिर बीच में भी कहीं छोड़ सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। वैसे ये टोटल 8 कोचेस का वंदे भारत है। हाँ जी टोटल 8 कोचेस का आप बोल सकते हो, ये मिनी वंदे भारत है। वैसे सेम रूट में एक और ट्रेन चलती है, एक और वंदे भारत चलती है जो कि 16 कोचेस की है और वो ट्रेन जाता है भाई पूरा, उसमें मैंने सुना है इसका रूट अलग रहेगा। ओके, और वैसे बोला जाता है जो इस रूट में चलती है वंदे भारत वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है। अच्छा वेटिंग ना हो। बाकी इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अंदर का इंटीरियर कैसा है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये ट्रेन देख लो अभी। ऑल राइट, तो ट्रेन में एंटर करते ही सबसे पहले मैं आ गया हूँ इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में। अभी तक तो फिलहाल देखकर सेम ही लग रहा है, मतलब लग रहा है कि यहाँ बाहर से लुक पूरा ही चेंज है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टोरी डाला था, उसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि मोहित भाई अच्छे खासे वंदे भारत को KTM बाइक बना डाला। बाइक कलर तो पूरा इंस्पायर्ड है अपने KTM से, बाकी अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं अभी इनके एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठा हूँ और इससे कहीं ज्यादा कम्फर्टेबल मैंने देखा है जो बाकी का जो वंदे भारत है, जैसे आप बात कर लो बिहार का, मुंबई गोवा का। ये सीट देखो आपको थोड़ा पतला पतला लगेगा, वो चेयर कार के जैसा लग रहा है ना थोड़ा बहुत। बाकी इसका जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसका जो सीट्स है और जो चेयर कार का सीट्स है, दोनों का कलर सेम है। मैं तो सुन रहा था काफी सारा 25 या 26 चेंजेस किया गया है,
अभी तक तो वो चेंजेस मुझे दिखा नहीं, लाइक देख लो लेग स्पेस भी सेम ही लग रहा है। नीचे में देख लो वाटर बॉटल होल्डर है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी के थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा देख लो यहाँ पे टच लाइट, ये देख लो टच लाइट, ये तो जैसे कि होता है लाइक सभी वंदे भारत में वैसा ही है सेम। बाकी अगर मैं रिक्लाइन की बात करूँ तो देख लो, तो ये जो अपना सीट है इतना रिक्लाइन हो सकता है। एक बात है, आराम करते हुए आप जा सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों इसका जो कुशनिंग है ना मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं लग रहा, थोड़ा हार्ड हार्ड टाइप का लग रहा है। और ये बात तो आपको ही पता है, इस सीट को पूरे तरीके से आप रोटेट कर सकते हो, लाइक यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन है टू रोटेट प्रेस लीवर। लीवर का मतलब है आपको वो जो नीचे दिख रहा है ना वाटर बॉटल होल्डर के नीचे, उसको प्रेस करना होगा और सीट को आप पूरा रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा देख लो सामने की तरफ लगा हुआ है स्क्रीन जिसमें सारा ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ रहेगा। बस कंफ्यूजन ये है कि चेंजेस इसमें क्या हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये साइड में आपको मिल जाएगा ट्रे टेबल, देख लो कुछ ऐसा ट्रे टेबल है, साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ट्रे टेबल का पहले वाले से। बाकी अगर आप बैक साइड देखोगे ना तो वो मैगजीन होल्डर, फुट रेस्ट वगैरह सब कुछ सेम है, नॉर्मली है जैसा कि पिछले बंदे भारत सब में रहता था। मैं तो इसीलिए एक्साइटेड था इधर आया था, एक तो कलर के लिए, दूसरा ये था कि मैंने सुना था अंदर में काफी सारा चेंजेस हुआ है, लाइक 25 से 26 चेंजेस हुआ है। अभी तक तो नहीं दिखा वो चेंजेस मेरे को फिलहाल। ये देख लो सीट को आप पूरे तरीके से ऐसे रोटेट कर सकते हो, ये देखो यहाँ की तरफ एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे आप ट्रेन का सारा इन्फॉर्मेशन, लाइक जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कितने किलोमीटर बाद है, कितनी स्पीड में आपका ट्रेन चल रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगा। ये सारा वॉशरूम है, वॉशरूम तो बाद में दिखाऊंगा मैं। हाँ जी, तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है एग्जीक्यूटिव क्लास इनका, जिसमें चेंजेस मतलब मेजर मेरे को तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने चेयर कार में, और चेयर कार का इंटीरियर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सीट्स वगैरह सब कुछ मेरे को अभी तक तो सेम लगा है। बाकी हाँ, अकेले नहीं हूँ मैं, काफी लोग हैं यहाँ पे, देख लो ये अपना चेयर कार, अपने सत्या भाई, अपने डोलेस भाई, अपने एस के भाई, अपने धनंजय भैया और अपने संदीप, पता ही नहीं लग रहा कि चेयर कार है कि। हाँ, अगर आप क्रॉस करते हुए जाओगे तो आप लास्ट पहुंच जाओगे, मेरे को तो यही नहीं पता लगा कि आई क्रॉस्ड। सेम सेम है भाई, मतलब मेरे साथ भी हुआ, पता नहीं लगा कि एग्जीक्यूटिव निकल गया। कलर चेंज करना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, स्टेट के हिसाब से सही बात है। अब बाकी लाइक देख लो सीट्स ऐसे ही है सेम है, कुछ अलग से दिखाने का इसमें है नहीं, बाकी ऐसा ही सीट है सेम, ऐसा ही सीट्स आपको मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव क्लास में। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा उसमें लेग स्पेस ज्यादा है। इसका भी देख लो चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ सेम है। रिक्लाइन संदीप भैया थोड़ा हेल्प करोगे, ये देख लो भाई रिक्लाइन, ये सीट इतना तक हो सकता है। बाकी इसके अलावा ट्रे टेबल काफ़ी बढ़िया है, मेरे को सबसे बढ़िया ट्रे टेबल लगता है चेयर कार का एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास। इसमें आराम से रख के आप अपना, हम जैसे क्रिएटर के लिए तो एडिटिंग भाई एडिटिंग हो जाता है, खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग। आप संदीप भाई से बात कर रहे हो, सीट बैंड करवा रहे हो, जरा संदीप भाई का जरा बैग और चेक करो, स्नेक मिलेगा आप संदीप भाई अभी जंगल में से निकल के आए एक्चुअली भाई चले गए थे अंदर शूट करने के लिए कहीं, तो क्या निकला, सच में निकला नेचर में आप हो, पता चल गया ना, इसलिए बोलते हैं केरला को गॉड्स ओन कंट्री। संदीप भाई की क्रिएटिविटी अलग है। बाकी हाँ, यहाँ पे देख लो टच लाइट वगैरह सब कुछ तो सेम है, और ऐसा कुछ अलग इसमें है नहीं। हम लोगों ने वैसे लास्ट सेट लिया है, अभी सबसे मेन दिखाते हैं आपको इनका वॉशरूम। गेट देख लो ऑलरेडी हो चुका है लॉक, बस अभी हरी झंडी का वेट है, जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं निकल जाएंगे हम लोग। अभी मैं आ गया हूँ वंदे भारत के वॉशरूम में, और वॉशरूम में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा ये जो वॉश बेसिन है ना देख लो काफी मतलब जगह हो गया, पहले तो एकदम छोटा सा होता था तो हाथ वाथ धोने में दिक्कत होता था, अभी काफी जगह हो गया है। साथ ही यहाँ पे हैंड ड्रायर भी है, और सामने की तरफ ये बड़ा सा मिरर, यहाँ पे लाइक सोप डिस्पेंसर हो गया, अपना टॉल वगैरह आप हैंग कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे देख लो फ्रेशनर भी अंदर में, ताकि वॉशरूम में ऐसा कोई गंदा स्मेल ना रहा है। तो फाइनली अभी टाइम देख लो 1:06 हो रहा है, अपनी नई नवेली ऑरेंज कलर की वंदे भारत निकल चुकी है कासरगोड रेलवे स्टेशन से। और एक बात काफी अच्छा है, जो विंडो है काफी क्लीन है, और गेट काफी पहले क्लोज हो गया था इसलिए मैं गेट पे गया ही नहीं दिखाने के लिए। आगे का माहौल देखना भाई, मैं तो बाहर जाके दिखा नहीं पाया। ये देख लो भीड़ देख लो भाई साहब, भीड़, ओहो 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 ओहो। वैसे आज लाइक इंडियन रेलवे के लिए काफी खुशी की बात है कि एक साथ 9 वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें से हम लोग ये कासरगोड टू त्रिवेंद्रम वाली वंदे भारत में है, जो कि सबसे स्पेशल भी है क्योंकि ये ऑरेंज कलर की वंदे भारत है। फाइनली अपना ट्रेन निकल चुका है कासरगोड से, जय माता दी। वैसे ट्रेन का स्पीड तो आप पीछे भी चेक कर सकते हो, और यहाँ देख लो भाई साहब निकलते ही ट्रेन का स्पीड देख लो एक बार,
109 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन देख लो निकलते ये मिल चुका है हमें यहाँ पे खाना। वैसे मैं बता दूँ ये इनॉग्रल जर्नी है, आज हमें जो फूड सर्विस मिलेगा ना थोड़ा अलग मिलेगा, हर दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा मैं बता दूँ, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इनॉग्रल के लिए आपको कुछ इस टाइप से देते हैं ये। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं दिखाता हूँ, ये तो काफ़ी गर्मा गर्म लग रहा है ये बिरयानी जैसा। चलो ढक्कन हटाते दिखाते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड, नमस्ते। वैसे गर्मा गर्म अपना खाना तो आ चुका है लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, एक वंदे भारत अभी क्रॉस करने वाली है जो कि व्हाइट एंड ब्लू वंदे भारत है। काफ़ी कमाल का सीन दिखने वाला है। कब निकला कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट हॉल्ट दिखा रहा है कन्नौर, तो हम लोग भी वहीं उतर जाएंगे। वैसे इसका ऑफिशियल स्टॉप क्या क्या होने वाला है सब कुछ आपको बताएंगे एक एक करके। चलो काम करते हैं खाना ट्राई करते हैं, बताते हैं खाना कैसा है, ट्रेन का स्टॉप वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ बताएंगे एक एक करके। तो देख लो जी ये कुछ हमें खाना सर्व किया गया है, ये तो चपाती है साथ में अचार रायता, ये कुछ वेज बिरयानी जैसा लग रहा है, साथ में गुलाब जामुन तो है ही, देख कर तो टेस्टी लग रहा है, टेस्ट करते बताते कैसा है। चलो ट्राई करते हैं बिरयानी। आप लोगों ने देखा था हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे लेकिन उस टाइम ना मेरे को कुछ खाने का मन नहीं था, मैं बस कॉफ़ी पी गया था, अभी मेरे को भूख भी लगा है। तो ब्रेकफास्ट तो छोड़ो, ये एक तरह से हमारा लंच हो गया आज। काफ़ी बढ़िया खाना सर्व किया गया है यहाँ पे, वेज बिरयानी और रायते के साथ, एक नंबर गर्मा गर्म है, बहुत अच्छा था। मेरे को तो मिल गया गुलाब जामुन, बस गुलाब जामुन मिल गया, सब्जी बहुत अच्छी है, रायता हो गया दोपहर के हिसाब से, लंच के हिसाब से बहुत बढ़िया। राइस वगैरह आपने टेस्ट किया? राइस बहुत अच्छा लगा मेरे को यार, मजा आ गया खाकर। उम्मीद है इनॉग्रल जर्नी में जैसा ही खाना मिल रहा है, कमर्शियल जर्नी कमर्शियल में भी मिला वैसा, सही बात। ट्राई किया खाना आपने? सबकी थाली खा के आ रहा हूं। मजा आ गया खाना भाई, समंदर देखा? अरे एक चीज नोटिस करो, हमारा ट्रेन यहाँ से चल रहा है, पास में ही समंदर है, मतलब बीच दिख रहा है। केरला वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, इट्स एक्चुअली गॉड्स ओन कंट्री। चलो भाई अपना खाना भी अब कंप्लीट करते हैं। केरला बहुत खूबसूरत है, इस वाले रूट में आप कभी जर्नी करना बहुत अच्छा लगेगा आपको भाई। नजारे देखो, मैं कैमरा में बंद नहीं कर सकता भाई। चलो अब बात कर ली जाए इस ट्रेन के टाइमिंग का, प्राइजेस का, और लाइक रूट का, सबसे मेन रूट का। ये तो देख लो इनॉग्रल है तो इसलिए आज इसका लाइक 12:30 या 1 बजे के लगभग इसका डिपार्चर हुआ कासरगोड से। लेकिन नॉर्मली ये जो ट्रेन है, जब ये नॉर्मल मतलब परसों से ये जो ट्रेन है सुबह 7 बजे मतलब ये कासरगोड से निकलेगी और लगभग दोपहर के 3-5 तक ये ट्रेन पहुंच जाएगी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। इसके बीच में क्या क्या स्टॉप रहने वाला है तो मैं बता दूं, ये जो स्टेशन में देख लो अभी हमारा ट्रेन पहुंचा है, ये कोई पयनूर, लेकिन ये बस इनॉग्रल के लिए, कमर्शियल में या फिर नॉर्मल जर्नी में यहाँ नहीं रुकेगा। ट्रेन का जो हमारा सबसे पहला स्टॉप होगा कासरगोड से निकलने के बाद वो होगा कन्नूर, फिर ये ट्रेन रुकेगा कोझिकोड़े मेन, फिर तिरूर, सोरानूर। और एक बात मैं बता दूँ, सोरानूर तक ये जो अपना ट्रेन है ना इसका स्पीड रहेगा 110 और उसके बाद अपना ट्रेन हो जाएगा 90। भीड़ तो बढ़ते जा रहा है, पता नहीं शायद विजिट के लिए या फिर क्या, पता नहीं मेरे को। हाँ तो भाई मैं बता रहा था ना, सोरानूर तक अपना ये जो ट्रेन है चलेगा 110 तक, उसके बाद अपने ट्रेन का जो स्पीड लिमिट है वो हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। सोरानूर के बाद अपना ट्रेन रुकेगा त्रिशूर, त्रिशूर के बाद एर्नाकुलम, फिर अलापुजा मतलब एलपी, उसके बाद कोल्लम जंक्शन, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। और वैसे अगर मैं टिकट प्राइसेस की बात करूं तो अगर आप चेयर कार में अपना बुकिंग करते हो तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1600 रुपीज इंक्लूडिंग फूड कैटरिंग। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बुक करते हो तो आपको पे करने पड़ेंगे 2800 रुपए के अराउंड, मतलब 2800 के आसपास इंक्लूडिंग फूड कैटरिंग। तो ये कुछ फेयर है अपने इस ट्रेन का। बाकी अगर मैं ट्रेन नंबर की बात करूँ तो अभी तो आज का जो नंबर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 02631 है, लेकिन जब इसका नॉर्मल रन होगा, कमर्शियल रन आप बोलो, नॉर्मल रन आप बोलो, तब इस ट्रेन का नंबर रहेगा 20631। अभी यहाँ पे क्या है ना, लाइक काफी सारे लाइक जो लोकल्स है उनको ट्रेन में बैठाया गया है, अगले स्टेशन में उतर जाएंगे, फिर अगले स्टेशन में कुछ और लोग आएंगे वो अगले स्टेशन में उतरेंगे। इस रूट में ना कैमरा ऑफ करना मुश्किल है, हमारा प्लान था कि इस वाले स्टेशन में डिबोर्ट कर जाएंगे लेकिन हमारा वेटिंग लिस्ट हो गया। क्यों सत्य भाई? चलो कोई नहीं, ये देख लो सच में वेटिंग लिस्ट आ गया 3, 4, 5, 6 सभी का। बाय 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 बाय, ओके भाई बाय बाय बाय। भाई ये भीड़ देख कर ना उतरने में भी डर लग रहा है। यही है देख लो कन्नूर रेलवे स्टेशन, सिग्नल हो चुका है, बस हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। मेरे को लगा काफी लोग बोर्ड करेंगे यहाँ से लेकिन कोई किया नहीं होता। वैसे मैं बता दूं ये जो है ना कन्नूर रेलवे स्टेशन, जब इसका कमर्शियल रन होगा, नॉर्मल रन आप बोल लो, सबसे पहला जो कमर्शियल हॉल्ट है ना वो कन्नूर है।
तो चलो यहाँ से ट्रेन अपना निकल चुका है, जाते हैं अपने सीट पे। भीड़ देख लो भाई साहब, स्टेशन में भीड़ देख लो। ऑल राइट, तो देख लो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं थलसरी। वैसे यहाँ की बिरयानी बहुत ही फेमस है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह में थलसरी रेस्टोरेंट वगैरह होता है। थलसरी फेमस बिरयानी बहुत फेमस है, कभी आएंगे तो यहाँ का ट्राई करेंगे। वैसे इस स्टेशन में इसका कोई हॉल्ट नहीं है, ये बस आज इनॉग्रल के लिए है। इसके बाद अपना ट्रेन रुकेगा डायरेक्टली कोझिकोड मेन। तो ऐसे ऐसे बैक वाटर्स ना आपको पूरे जर्नी में देखने को मिलेगा, यही तो है खूबसूरती केरला की। फाइनली अभी हम लोग अपने ऑफिशियल दूसरे स्टॉप पे पहुंच चुके हैं जो कि एक कोझिकोड है। काफी सारे लोकल्स हैं जो अंदर जा रहे हैं ट्रेन देखने के लिए, नेक्स्ट स्टॉप में ये उतर जाएंगे फिर से। ऑलरेडी तो मैं अभी गया था स्टेशन के बाहर थोड़ा सा दिखाने के लिए, भाई ट्रेन के जब अंदर आया बैठने का भी जगह नहीं है, देख लो पूरा पैक हो चुका है। मतलब होता है इनॉग्रल में यही सब ही होता है। चलो जी अब अपना सामान उतार लेते हैं नीचे, क्योंकि हम उतर जाएंगे तिरूर। हमारा प्लान था वैसे त्रिवेंद्रम जाने का, लेकिन अब उससे आगे जा नहीं पाएंगे। चलो मिलते हैं भाई सभी से, बाय 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 बाय। फाइनली देख लो हम लोग डीबोर्ड कर चुके हैं ट्रेन को, और वो भी उतरते उतरते देख लो स्वीट आइटम भी मिल चुका है हमें, जो कि हमें थोड़ी देर बाद मिलता। दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या है, पहले कोई कैफे में जाके बैठते हैं। फाइनली अपना वंदे भारत निकल चुका है, देख लो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जर्नी के बीच में ही मैंने जर्नी को छोड़ा है। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोग तिरूर आके ना एक वेटिंग लाउंज ले लिए, क्योंकि हमारा ट्रेन है वापस से कोयम्बतूर के लिए, और कोयम्बतूर से वापस से ट्रेन है हमारा बेंगलुरु के लिए। तो हाँ थोड़ा घूमकर जा रहे हैं, और आगे का बहुत सारा प्लान है अलग 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 जगह जाने का, और हर टाइप का ट्रेन जर्नी आपको देखने को मिलेगा, वो तो आप देखोगे। लेकिन हाँ ये जो मेरा जर्नी था वंदे भारत का इनॉग्रल जर्नी, शायद ही अब इसके बाद कोई इनॉग्रल करूँगा, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। अगर कुछ यूनिक रहा, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, तभी कुछ करेंगे, या फिर स्पेशल रूट है। वैसे एक बात देख लो, जाते जाते ना हमें ये स्वीट बॉक्स मिला, चलो दिखाते हैं इसमें क्या है। अच्छा एक तरह का ये स्नैक्स बॉक्स है, देखो काफी कुछ है। यहाँ का ये फेमस लग रहा है शायद श्री कृष्णा स्वीट्स, ये तो मिक्सचर लग रहा है, इसमें कुछ होगा। तो यही सब मिला है हमें, देख लो ये यहाँ का कुछ स्वीट आइटम है फेमस, पता नहीं क्या है। अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 4:19। और वैसे अभी संदीप भाई तो कहीं बाहर गए हैं, सत्य भाई अपने बैठे हुए हैं। सत्य भाई ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस इनॉग्रल जर्नी में? उसके सीट से ज़्यादा मज़ा मुझे 30 रुपये वाली सीट में आ रहा है। ये आपने ऐसा कभी हुआ है कोई जर्नी को बीच में ऐसे छोड़ा? वंदे भारत तो नहीं, वैसे नॉर्मल ट्रेन जर्नी छोड़ी है। अच्छा। उसमें भी रीजन होता है कि कोई कनेक्टिंग ट्रेन होती है। ओके। आज भी कनेक्टिंग ट्रेन है। हाँ। और वो इससे बचने के लिए कनेक्टिंग ट्रेन है। हम लोग का तो प्लान था कि जाएंगे, लेकिन भाई हो नहीं पा रहा था, हिम्मत नहीं हो पा रही। सही बात है, और ऊपर से क्या था टेंशन भी हो रहा था ना सामान वामान को भी लेकर, काफी लोग आ जा रहे थे, मतलब कोई है ही नहीं देखने के लिए कि मतलब चलो भीड़ को कंट्रोल किया जाए। ब्लॉक बनाने के लिए नीचे उतर गए, आईपैड चार्जर सब लगा हुआ है, फिर सोचा इससे अच्छा है जो दिखाना था वो दिखाई दिया। हाँ ट्रेन तो दिखाई दिए थे, बाकी फिर सोचा आप लोग को वीडियो देना भी है सेम डे, वरना आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा नौ वंदे भारत है। सही बात है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट बहुत थी ट्रेन को देख करके, लेकिन जैसे जर्नी हमारी चली उसके बाद एक्साइटमेंट खत्म। एग्जैक्टली वही मैं भी बोला, ये मतलब एक्साइटमेंट जितना था हमारा वैसा मतलब नहीं रह पाया। खैर कोई बात नहीं, बाकी अपना काम करते हैं फिर देखेंगे, हो सके तो हमारा ट्रेन रात के 9 बजे है, बीच में अगर कहीं निकलना होगा तो निकल जाएंगे। बाकी ये भी बेचारी थक गई है देख लो, मतलब मेरा ये सेकंड इनॉग्रल था, लेकिन लग ही नहीं रहा था ये इनॉग्रल है, खाली कलर बाहर से अच्छा लग रहा था, बाकी अंदर में एज यूजुअल सेम। सब सेम था, देख लिया आप लोगों ने, सुन लिया सभी के मुंह से उनका रिव्यू, और हाँ एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो वही सेम था, लाइक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था लेकिन बाद में वो मज़ा नहीं आया। हाँ लेकिन इसका नॉर्मल रन में ना मज़ा आएगा, लाइक प्रॉपर जो रूट होता है रूट बहुत ही खूबसूरत है, कमर्शियल रन में या फिर नॉर्मल रन में किस टाइप का खाना सर्व किया जाता है वो भी देखने में मज़ा आएगा। चलो कोई नहीं, वो कभी इधर का चक्कर लगेगा ना तो ये भी कवर करके दिखा देंगे। फिलहाल अभी एक साथ 9 वंदे भारत का इनॉग्रल हुआ है, तो कौन सा कवर करना है कौन सा नहीं बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो अपने रूट में जो जो आएगा ना वो कवर करते हुए चले जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।